दो लड़के या तो भाई हो सकते हैं या फिर दोस्त। मैंने सही कहा ना? लेकिन ये आजकल क्या चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कभी ऐसा भी वक्त हुआ करता था कि जब दो दोस्त एक साथ बाथरूम में नहाते भी थे और कोई कुछ कहता भी नहीं था। अब अगर ऐसा होता है ना तो लोग एक ही चीज समझते हैं, वही जो चल रहा है आजकल। मुझे तो भगवान ही बचाया ऐसे लोगों से। और हाँ, आप भी बच के रहना। कमिंग। वेट, आई एम कमिंग। कमिंग। यस अमन। यस हाय, आई एम राहुल। हाय, संदीप ने बताया था फ्लैट के लिए, सो यस यस, कम कम कम, प्लीज कम, प्लीज कम, कम, कम इन, सिट। थैंक्स। सो कौन से कॉलेज में हो? आरआर की। गुड, कम, आई शो माय फ्लैट। श्योर। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज वॉशरूम, दिस इज सिंगल वॉशरूम, ओके? नाइस। एंड आई शो यू द अदर थिंग्स। आई शो यू द बालकनी, दैट्स अ बालकनी, पूरा व्यू दिखता है यहाँ से, अमेजिंग। एंड कम, एंड दिस इज द ओनली डबल बेड, बेड हमें शेयर करना पड़ेगा, आई होप यू विल नॉट माइंड। नो प्रॉब्लम। सो संदीप ने बताया होगा 15,000 रेंट, एंड रेंट में आधा आधा शेयर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, संदीप ने बताया था, मैं पे कर देता हूँ अभी। ओके, योर नंबर? माय नंबर इज 9324230011। सेंड, चेक करो। ओके, राहुल? यस। या, थैंक यू वेरी मच। सो मैं जरा पानी लेके आता हूँ। अच्छा, वेट। या, एक्चुअली वांट टू सी समथिंग। या, टेल मी। आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज, एक्चुअली आई एम गे, होप यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, I don't mind. Are you sure? Yeah. So, कब रहने आ रहे हो? कल? परसों? बस अभी, मैं अपना लगेज साथ लेकर आया हूँ। लगेज लेके आए हो? अच्छा, तो ले आओ। Are you sure? Yeah. अबे साले, पूरी दुनिया में तुझे एक मैं ही मिला था एक गे को साथ रखने के लिए। देख संदीप, बकवास मत कर, मैं उसके साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। क्या मतलब है? अबे बेड एक है, बाथरूम एक है, तू समझ नहीं रहा है? किसी दिन उसने मौका देके चौका मार लिया तो? देख, मुझे कुछ नहीं पता, तू अब तू कैसे भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल, बस दैट्स इट।
फोन दे दो प्लीज। क्यों? एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा है और मुझे कुछ ऑर्डर करना है। तो मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ पर्सनल है, मैं बता नहीं सकता। मैं ऑर्डर कर लूंगा प्लीज। और ये इतनी गर्मी में तुमने शर्ट क्यों पहनी है? खोलो इसे। लाओ मैं खोल देता हूँ। यू लुक सो ऑसम। तुम्हारे पास बहुत अच्छी बॉडी है, उसे दिखाया करो। ये क्या हो जाता है तुम्हें? फोन मांग रहा था, नहीं देना तो मत दो। बेवजह का इतना ड्रामा कर रहे हो। हेल्प कर दूं? व्हाट? कुछ नहीं। मैं मदद कर दूं कुछ? नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कर लूंगा। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके। अच्छा सुनो। हाँ। वो गीजर कहाँ से ऑन होगा? तुम चलो, मैं दिखाता हूँ। चलो। ओके। I'm really sorry. Rahul. Hmm.
राहुल राहुल कहीं जा रहे हो? एक्चुअली आई एम सॉरी कल रात के लिए, सॉरी यार। चाहता तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैं कल रात ही दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे लोग अंधे और बहरे होते हैं जिन्हें किसी थप्पड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतने दिनों से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई अछूत हूं। तुम्हें छू दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हें। और प्रॉब्लम यही है ना कि मैंने तुम्हें मेरे बारे में बताया कि मैं गे हूं, और तुम्हारे जैसे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं गेज के बारे में, ना जाने उन्हें किस किस नाम से बुलाते हैं। कभी छक्का कहते हैं, कभी किन्नर कहते हैं, और कभी नामर्द कहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं सुसाइड करने के लिए। और मैंने अपना भाई खोया है सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। उसकी केवल इतनी गलती थी कि वो एक गे था, और तुम्हारे जैसे लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। इट वॉज नॉट सुसाइड, इट वॉज मर्डर। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हो तुम, लेकिन मेरे लिए तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। वेल, ये सब एक मजाक था। तुम्हारा दोस्त संदीप, उसने बोला था मुझसे ये सब करने के लिए। मैं कोई गे नहीं हूं, तुम्हारे जैसा स्ट्रेट ही हूं। एक एडवाइस देता हूं तुम्हें, जस्ट चेंज योर मेंटालिटी, अदरवाइज यू विल बी अ जर्क ऑफ सोसाइटी। I'm sorry यार, I'm sorry for everything, I'm sorry for everything। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा गाइस, हमें अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि रेस्पेक्ट देने से ही रेस्पेक्ट मिलती है।